जरूरी है कि संजीदगी से हम गौर करें हालात का पैगाम क्या है। सच्ची बात अगर कहें, हालात इंसानों से अल्लाह की नाराजगी का पता देते हैं, हालात अल्लाह रब्बुल आलमीन के गैज़ो गज़ब का साफ तौर पे इशारा दे रहे हैं। हमने अपनी नाफरमानियों से अपने रब को नाराज किया है, हमने अपने शिर्क से, अपनी गफलत से, इबादतों में अपनी सुस्ती से, हराम कारियों के जरिए हमने अल्लाह के गैज़ो गज़ब को दावत दी है। हालात ये पैगाम हम सबको देते हैं। प्यारे नबी के सिलसिले में हदीस में आता है कि कभी अगर हवाएं जरा रफ्तार बढ़ा देती, तेज रफ्तार से हवाएं चलने लगती, आंधी चलने लगती, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल बैठ जाते और फौरन अल्लाह के नबी की जबान पे ये दुआ आती, अल्लाहुम्मा जअलहा रियाहा वला तजअलहा रीहा, ए अल्लाह ये तेज चलने वाली हवाएं इनको रहमत वाली हवाएं बना दे, अजाब वाली हवाएं ना बना। कौम आद को इसी हवा और आंधी के जरिए से हलाक और बर्बाद किया गया था। हवा तेज चलती तो प्यारे नबी परेशान हो जाते, तेज चलने वाली हवा को प्यारे नबी अजाब की नजर से देखा करते थे, बेचैन हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। और आज क्या से क्या हो गया, दुनिया जेरो जबर हो गई कोरोना वायरस की आजमाइश के बाद, दुनिया का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं जो कोरोना वायरस की आजमाइश से मुतासिर ना हो। नेमतें हमसे छिन गई, अमनो आफियत की दौलत हमसे छीनी, सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत हमसे छीनी, सुकून और इत्मीनान की दौलत हमसे छिन गई, मस्जिदों के दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए, रमजान लॉकडाउन की नजर हो गया और पहली मरतबे इंसान आलम इस्लाम हज बैतुल्लाह की सआदत से महरूम होने जा रहा है। क्या ये सब अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नहीं, ये हमारी महरूमी, इबादतों से महरूमी, अजर व सवाब से महरूमी, दियार हरमैन से महरूमी, अल्लाह के घरों से महरूमी, क्या ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब का पता नहीं देती। और इतना ही नहीं, हालात का अगर आप बगौर जायजा लेंगे, अजाब दर अजाब, अजाब बर अजाब, मईशत की क्या सूरत हाल है, मुल्क की सतह पर भी, आलमी सतह पर भी मईशत की ऐसी कमर टूटी है, अब हुकूमतें जानों की फिक्र छोड़कर मईशत की फिक्र करने लगी हैं। मईशत का वो बुरा हाल हुआ है, टिड्डियों का हमला हुआ, टिड्डियां अफ्रीकी ममालिक के अफ्रीका के कई ममालिक का सफर करती हुई हिंदुस्तान पहुंची, राजस्थान वगैरह के इलाकों में उन्होंने खेतियों को तबाह ताराज कर डाला। तूफान आए, वेस्ट बंगाल में अम्फान तूफान आया और महाराष्ट्र में निसर्गा तूफान आया। ये सब चीज सूरत, ये सब चीजें बताती हैं हम इस वक्त एक अजाब के सिचुएशन से गुजर रहे, अजाब की सूरत यहां से गुजर रहे। जरा आले फिरौन का किस्सा पढ़ो कुरानी मजीद में, अल्लाह ने फिरौन को, कौम फिरौन को जिन अजाबात से दो चार किया था, यही तो अजाबात थे। मईशत उनकी बर्बाद हुई, अल्लाह ने उनकी मईशत को बर्बाद किया। फरमाया वलकद अखज़ना आल फिरऔन बिस्सिनीन वनक्सम मिन अस्समरात लअल्लहुम यذكرون। मूसा अलैहि सलाम की दावत को ठुकराने के नतीजे में हमने फिरौन और आले फिरौन पर कहत साली मुसल्लत की, उनके फलों में कमी कर दी, उनकी पैदावार में कमी कर दी, ताकि वो लोग नसीहत हासिल करें, अपना मुहासबा करें। और जब भी नहीं संभले, फअरसलना अलैहिम तूफान, हमने उन पे तूफान भेजा, फरसल्ला अलैहिम तूफान वल जरात, तूफान और सैलाब के बाद अल्लाह ने कौम फिरौन पे अजाब के तौर पे टिड्डियां मुसल्लत की। देखो जो चीजें अल्लाह ने कौम फिरौन के सिलसिले में बताई, आज वो मेरी और आपकी आंखों के सामने हो रही है। और अफसोस है कि तब भी हम में से बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जिन्हें हालात का शूर तक नहीं है। ये जमीर की मौत है, ये दिल की मौत है, और ये गफलत की वो इंतहा है जहां इंसानों को शायद मौत का फरिश्ता ही बेदार कर सकता है, अजाब का कोड़ा ही ऐसे लोगों को बेदार कर सकता है।